बिजनौर जनपद में जीएसटी विभाग की ताबड़तोड़ कार्यवाही से नाराज भाजपा सदय विधायक सूची मौसम चौधरी धरने पर बैठ गई। व्यापारियों की शिकायत पर धरने पर बैठी विधायिका सूची मौसम चौधरी ने जीएसटी विभाग पर गंभीर आरोप लगाते हुए हंगामा किया। सुरक्षा की दृष्टि से बिजनौर एसपी ने मौके पर भारी पुलिस बल को तैनात किया। दरअसल सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ के आदेश पर संपूर्ण उत्तर प्रदेश में जीएसटी विभाग की सैकड़ों टीमें कई दिनों से छापेमारी कर रही है। बिजनौर में भी जीएसटी विभाग की टीम की कार्रवाई से व्यापारियों ने बाजार बंद कर दिया। नूरपुर में व्यापारियों पर छापा मारने गई जीएसटी विभाग की टीम का व्यापारियों ने विरोध किया और थाना प्रभारी को ज्ञापन सौंपा। नवभारत समाचार धामपुर जनपद बिजनौर से दिनेश कुमार प्रजापति की रिपोर्ट। जी भैया, आज यहाँ पर आप बैठे हो, क्या मांगे आप लोग? देखिए, मांग कुछ नहीं है, जो सरकार के बनाए हुए नियम कानून है उनका पालन करना सब व्यापारी लोग चाहते हैं। व्यापारियों का कहना इतना है, जब सुबह सूचना प्राप्त हुई पूरा बाजार बंद था, कर्फ्यू जैसा यहाँ माहौल था, व्यापारियों ने हमारे विश्वास पे ये बाजार खोला है। और जो जीएसटी की टीम यहाँ पर जिस तरीके का आकर अमानवीय व्यवहार कर रही है, जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल कर रही है, उनके खाते इस तरीके से फेंक रही है, उनकी किताबें उठा के फेंक रहे हैं, कागज़ देखना नहीं चाह रहे हैं, उन पर टेरर कायम करना चाह रहे हैं, वो जिस तरीके से कार्यशैली उनकी है वो बहुत निंदनीय है। आज बाजार का बंद होना, मुख्य बाजार का, पूरे सिविल लाइन का, ये इनके कृत को शोभित करता है। किस कृत से आप कार्रवाई, क्या चाह रहे हैं, किस तरीके से करना चाह रहे हैं आपके द्वारा क्या कार्रवाई की जाएगी आगे? देखिए, जीएसटी की टीम का यहाँ बैठ के हम लोग इंतजार कर रहे हैं। अगर वो अमानवीय व्यवहार व्यापारियों के साथ करेंगे, बदतमीजी करेंगे, उनका शोषण करने की कोशिश करेंगे, उनसे उगाही करने की कोशिश करेंगे, तो किसी भी सूरत में ये काम उन्हें नहीं करने दिया जाएगा। व्यापारियों का सम्मान सर्वोपरि है, कानून का राज है, जो कानून बने हैं उनका पालन करने के लिए सारे व्यापारी भी तैयार हैं, जो नियम हैं, पर नियमों की आड़ में शोषण नहीं होना चाहिए।